हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा नया चैप्टर फ्रैक्शंस, ठीक है। आज इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो नाउ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस की मीनिंग आप देख लो। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन कोई भी आपका जो होल है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप देखो, द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट आर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट में भी, जैसे मान लो आप एक सेब ले लिए, उस सेब में आप फोर इक्वल पार्ट कर लिया आपने, इक्वल पार्ट, ठीक है। अगर फोर इक्वल पार्ट कर लिया तो हर एक पार्ट एक आपका क्या होगा, उस होल का फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसे आपको जो है ग्रुप में, मान लीजिए आपका ग्रुप में, जैसे मान लीजिए आपके 40 स्टूडेंट इन ए क्लास हैं और उसमें आपके मान लीजिए 30 स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं और 10 स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो 30/40 ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसे आपका जब एक सेब लिए थे तो उसका वन पार्ट अगर आपने लिया और फोर पार्ट किया था तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, उस एप्पल का फ्रैक्शन होगा। तो ये आपका फ्रैक्शन। इन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम एक कहें, ये नंबर रिटन इन द फॉर्म P/Q, वेयर P एंड Q जो है ये आपका क्या है, इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर होल नंबर्स, नॉट इंटीजर, होल नंबर्स, ठीक है। अगर इंटीजर हो जाते हैं तो रेशनल नंबर उसको हम कहेंगे, ठीक है। बट Q डज नॉट जीरो, यानी ए फ्रैक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर डज नॉट जीरो, ठीक है। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स, ठीक है। ये आपका जो है फ्रैक्शन की डिफिनेशन हुआ। अब आपका यहाँ आप देखें, जैसे इसमें एक आप जो है ये होल है, अब इसमें आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपके पार्ट इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो शेडेड है, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका जितना शेडेड पार्ट होगा वो बाई टोटल टोटल पार्ट, यानी जितने पार्ट आपने बनाया है। तो जो है शेडेड में हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है, और होल में आपके कितने हैं, 7 हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/7, ये आपका फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन आपका जो है ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव आपके नंबर्स नहीं होंगे। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऐसे आप इस सर्किल में अब आप देखो, ठीक है, इस सर्किल में आपके कितने टोटल 8 पार्ट हैं, ठीक है, 8 पार्ट हैं और 1 पार्ट आपका शेडेड है, तो इस शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है कितना होगा, 1/8। ये आपकी आपको बेटा फ्रैक्शन के बारे में ये आपको समझना है, ठीक है। अब इसी पर आपका एक्सरसाइज है, फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अभी हमने जैसे आपको बताया, अब आप देखो इसमें, इस फिगर में आपको देखो, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 4 आपके ट्रायंगल्स और बने हुए हैं, इसमें 2 पार्ट आपके शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, शेडेड का 2/4, ठीक है। ऐसे आप इसमें देखो, ये आपका एक जो है रेक्टेंगल है जिसमें कितने पार्ट आपके, ये रेक्टेंगल स्क्वायर, इसमें आपके कितने, 9 पार्ट हैं, ठीक है, तो 9 पार्ट हैं। तो 9 पार्ट में आप देखो, ये एक शेडेड पार्ट पोर्शन कितने हैं, 8 है,
तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/7। ठीक है बेटा, ऐसे आप इस ये ग्रुप में है, ठीक है। अब ग्रुप में आप देखो इसमें 8 आपके ये बॉल है, ठीक है। अब इसमें शेडेड हमारे कितने हैं आपके, देखो 1, 2, 3, 4 यानी 4/8। तो ये ग्रुप के प्रॉब्लम सेंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें और जो ये आपके लिखे हुए हैं, फिगर्स बने हुए हैं, इनमें आप शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है बेटा। हमने 3 बताया, अब शेष तुम लोग इसी तरीके से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आप देखिए वहां अभी शेडेड पार्ट आपको बने हुए थे और उसको आप फ्रैक्शन लिखना था। अब यहां आपको फ्रैक्शन दिए हैं, ठीक है, और इसका शेडेड पार्ट लिखना करना है। अब आप देखो इसमें इस फिगर्स में आप देखो 6 पार्ट आपके शेडेड हैं, 6 पार्ट हैं, ठीक है। और इसका न्यूमरेटर आपका कितना है, 1 है। 1 इज न्यूमरेटर और 6 इज डिनोमिनेटर। तो 1 आपका जो न्यूमरेटर है इसमें 1 है, यानी इसका 1 पार्ट आप कोई भी शेडेड कर सकते हो, कोई भी, चाहे इसको करो या इसको करो या इसको करो, किसी भी एक पार्ट्स को आप क्या करोगे, शेडेड करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ ये सेट किया गया, ठीक है। ऐसे आप देखो, अब जैसे इसको हम ये आपका 4th ले रहे हैं, 4th में एक सर्किल, इसके 4 पार्ट ये किए गए हैं, ठीक है, और इसमें ये इसका फ्रैक्शन लिखा हुआ 3/4, यानी कितने पार्ट आपको शेडेड करने हैं, 3 पार्ट। जो न्यूमरेटर में जितना नंबर्स होगा उतने पार्ट आप क्या करना है, शेडेड करना है। तो इसमें बेटा कितने पार्ट, 3 पार्ट आपको सेट करना है, जैसे यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब आप आइडेंटिफाई करना है कि एरर पार्ट इसमें है या नहीं। अब ये देखिए ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 2 पार्ट ये किए गए हैं, एक पार्ट शेडेड है, दूसरा ऐसे है ब्लैंक है। अब आप देखो इन दोनों पार्टों को क्या हर एक जो शेडेड पार्ट है वो 1/2 है या नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि ये अनइक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, ये पार्ट आपके इक्वल पार्ट नहीं है, तो ये फ्रैक्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। 1/2 ये इक्वल नहीं है इस ट्रायंगल का, ठीक है। ऐसे इसमें आप देखो ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, बट आप सभी पार्ट देख रहे हो कि सभी पार्ट्स आपके इक्वल नहीं है, और जबकि फ्रैक्शन में आपके क्या होना चाहिए, सभी पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके के ये जो है सभी आपके इक्वल डिवाइड नहीं है बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स, 8 आवर्स का आपको 1 डे का फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स होंगे, ठीक है, और 24 आवर्स में 8 का फ्रैक्शन बताना है। तो जिसका बताना है वो नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, यानी आपका जो होल डे है 24, ठीक है, तो 8/24 ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो इस तरीके से ये आपका 1/3 हो गया, ठीक हो गया बेटा। ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स का अब आपको ये फ्रैक्शन करना है। तो 1 आवर्स इक्वल हम जानते हैं 60 मिनट, ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन लिखना है 40/60, सिंप्लीफाई कर लिया, 20 2 जा 40 और 23 जा 60,
यानी 2/3, ये आपका क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम, ठीक है। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, आर्या एग्रीड टू शेयर दिस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। अब आप देखो एक इसके आर्या के पास 2 सैंडविच आपके हैं, ठीक है। अब दोनों पार्ट को, जैसे हर एक सैंडविच को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, तो आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच ऑफ देम। ये आप देखो सबको एक जो है इक्वल सैंडविच ये आपको मिलेगा, हर एक सैंडविच से एक एक पार्ट आपका। तो अगर इस तरीके से टोटल सैंडविच ईच पर्सन कितने मिल जाएंगे, तो 2 × 1/3 इक्वल 2/3, यानी हर एक व्यक्ति को, हर एक जो आर्या मनु विवेक हैं इनको प्रत्येक को आपको क्या मिलेगा, 2/3 सैंडविच, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, ठीक है। व्हाट ईच पार्ट मतलब प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक सैंडविच का कितना पार्ट वो रिसीव करेगा। तो जैसे 1 सैंडविच था, हर एक स्टूडेंट या जो है ये बॉयज जो है वो कितना रिसीव कर रहा है, 1 × 1/3 यानी 1/3 पार्ट, ठीक है, ये 1/3 पार्ट रिसीव करेगा, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, कंचन ड्रेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। देखिए टोटल ये ड्रेसेस जो हैं आपके 30 हैं, इसमें कंप्लीट जो आपके हो गए हैं वो 20 हुए हैं, इनका फ्रैक्शन यानी 20/30 लिख देना है, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर 2 से लेकर के 12 तक आपके ये नंबर्स हैं, ठीक है, 2 से। अब इसमें आपके प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स को आपको जानना चाहिए, पहचानना है। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका क्या है 11। ये आपके 5 नंबर्स जो हो जा रहे हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये 5 नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हो गए और इसका फ्रैक्शन। तो टोटल नंबर्स आप देख रहे हो कितने हो जा रहे हैं, ये 2 से 12 तक 11 नंबर्स हो रहे हैं और प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है, तो 5/11, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अभी सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। अब ऐसे आपको 102 से लेकर के 113 तक नंबर लिखोगे, उसमें कितने नंबर्स आपके प्राइम हैं उसको आइडेंटिफाई करोगे। अब प्राइम नंबर्स और बाई टोटल नंबर्स एक कर दोगे तो ये फ्रैक्शन आएगा, तो इसको आप आइडेंटिफाई खुद करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्किल हैज एक्स इन देम,
अब आप देखिए, ये आपके सर्किल्स के कुछ ग्रुप दिए गए हैं, इसमें एक्स मार्क्स किया गया है, ठीक है, और इस एक्स मार्क्स का आपको फ्रैक्शन बताना है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 हो गया। इसमें मार्क्स कितने हैं, जो आपके एक्स मार्क्स हैं वो 4 हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो गया एक्स मार्क्स का, ये 4/8, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, सी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव 5 अदर्स एज गिफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाई एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें टोटल सीडी आपके कितने हो गए, 3 CD और प्लस 5 CD, ठीक है, तो 3 CD ये इसने बॉट किया है और 5 रिसीव किया है एज ए गिफ्ट, ठीक है, तो टोटल आपके 8 CD हो गए। इसमें परचेज CD का आपको फ्रैक्शन बताना है, तो 3/8, और गिफ्ट CD का आपको गिफ्ट में 5 मिले हैं, तो टोटल और 8 हैं, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/8। तो आज बेटा इतना ही, अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कल होगा, आज के लिए इतना, थैंक यू बेटा।